अभी हाल ही के दिनों में मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लेके बहुत सी न्यूज़ जो है अपने चैनल पर लेके आ रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे जो है इस पे एक बिल जो है आने की तैयारी हो रही है और उसमें क्या क्या जो है चीजें जो है शामिल की जा सकती हैं। तो अटकलें लग रही थी कि भाई RBI ने बोल दिया कि इस पे बैन लगा दो, परंतु इस पे पूरी तरह से बैन जो है नहीं लगेगा। हाँ, कुछ नियम और लॉ जो है इसके लिए आ सकते हैं। वो नियम और लॉ क्या होंगे, क्या कुछ पाबंदियां होंगी, क्योंकि इस कमेटी में कुछ पाबंदियों को शामिल करने की बात भी कही गई है। वो पाबंदियां किस तरह की हैं और क्या है, उसके लिए आप ये पूरी वीडियो जो है देखिए। चलिए शुरू करते हैं उन पाबंदियों को जानने की। क्रिप्टो करेंसी पर बैन की खबरों ने इनमें लगे भारतीयों के 70,000 करोड़ रुपए को संकट में डाल दिया है। इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि सरकार बैन करने की जगह क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का कानून लाएगी। इसके साथ ही जुड़े खतरों को दूर करने के बाद ही क्रिप्टो करेंसी को सेबी के तहत ऑपरेट करने की मंजूरी मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगने की आशंका के बीच कुछ सुकून भरी खबरों ने निवेशकों को राहत देने का काम किया है। इन खबरों के सामने आने से क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगने की संभावना खारिज हो गई है। दरअसल सरकार ने क्रिप्टो करेंसी बिल में जो बदलाव किए हैं उनके जरिए इसे बैन करने की जगह रेगुलेट करने की मंशा ज्यादा नजर आ रही है। बिल में बदलाव किए जाने का एक मकसद FATF रेगुलेशंस का पालन करना है। इस बिल के जरिए साफ हो जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी ना तो लीगल करेंसी होगी और ना ही इसे किसी खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिजिटल करेंसी लाने की जिम्मेदारी RBI के कंधों पर छोड़ दी जाएगी। क्रिप्टो को केवल एक एसेट क्लास का दर्जा हासिल होगा जिसको सेबी रेगुलेट करेगा। यानी सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की है। क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह बैन लगाना सरकार के एजेंडे का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। What exactly is to be banned? We don't know. What is to be, even if with respect to currencies, what is to be exempted is not known. There is also a positive intent about government tasking the Reserve Bank to bring the official digital currency. सरकार के इस योजना का खुलासा संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश करते वक्त ही हो पाएगा। जाहिर है अगर इसको बैन नहीं किया गया तो फिर देश के करीब 10 करोड़ निवेशकों की 70,000 करोड़ की रकम पर कोई खतरा नहीं होगा। रेगुलेशन के दायरे में क्रिप्टो करेंसी को लाकर सरकार सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को रेगुलेट करेगी और उन्हें लाइसेंस देगी। इन सभी को KYC, KYT और रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना होगा। वित्त मंत्री भी पहले कह चुकी हैं कि वो किसी भी चीज को बैन नहीं करेंगी और कानून इस मामले में उदार रवैया अपनाएगा। ये बोलना कि हम इस चीज को बैन कर देंगे, इससे आप उसको एक फॉरबिडन फ्रूट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर कोई एसेट आपको 500% का रिटर्न दे सकता है हर साल, तो वो दुनिया के किसी भी एसेट से बेटर है। और डेफिनेटली जहां पैसा होगा वो पैसा कहीं ना कहीं से क्रिप्टो करेंसी में फ्लो डाउन करेगा और वहां पे गलत तरीके इन्वेंट होंगे। हमें वो चीज रोकनी है। क्रिप्टो करेंसी बंद करने को लेकर पैदा हुई दुविधा के पीछे क्लैरिकल गलती मानी जा रही है, जिसमें फरवरी के बिल का एक हिस्सा उठाकर लगा दिया गया है। फिलहाल तो जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक KYC नियमों के तहत सभी एक्सचेंजों को अपने ग्राहकों की पूरी जानकारी रखनी होगी। KYT नियमों के तहत सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी रखना एक्सचेंजों की जिम्मेदारी होगी। सभी एक्सचेंजों को ट्रैवल रूल नीति का पालन करना होगा, यानी कोई भी लेन देन होते ही उसकी जानकारी तुरंत मुहैया करानी होगी। एक्सचेंजों को सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हर हफ्ते सेबी को देना अनिवार्य होगा। ऐसे में साफ है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े खतरों को सरकार काफी हद तक कम कर पाएगी और निवेशकों के हितों का भी ध्यान रखने में सफल रहेगी। आज तक ब्यूरो।